प्रदेश सरकार लोगों को स्वास्थ्य सुविधा मुहैया कराने के नाम पर भले ही लाख दावे पेश करे, लेकिन धरातलीय स्थिति देखने पर शासन की सुविधा अब लोगों के लिए मुसीबत बनती जा रही है। जी हां, हम बात कर रहे हैं खरगोन जिले के जिला चिकित्सालय की, जहां लगभग 2 माह से मरीजों की CBC जांच नहीं की जा रही, जिससे लोगों को बाहर भटकना पड़ता है। इस दौरान बच्चे का इलाज कराने आए परिजन ने बताया कि अस्पताल में CBC जांच नहीं हुई, इसलिए बाहर जा रहे हैं। अच्छा, आपका बच्चा है क्या? नहीं दोस्त। अच्छा, क्या हो गया इनको? उंगली में पड़ गई। अच्छा, तो किनको दिखाया था? लक्ष्मण आर्य। तो उन्होंने क्या जाँचें लिख के दी? जाँचें लिख के दी। अच्छा, फिर क्या जाँच हो गई है? लेकिन बाद में वहाँ बाहर हो गई। बाहर हो गई CBC। क्या बताया CBC क्यों नहीं हो रही? ऐसा कुछ कारण बताया? कहीं नहीं बताया हमको, बस ये बोला कि जाँच बाहर होगी। अब गए बाहर करवाने, बाहर गए थे करवाने के लिए? नहीं, अभी यहाँ से बाहर निकले थे। क्या नाम है तुम्हारा? देवदास पाटीदार। कहाँ से है? दाद का। वही मामले को लेकर जब अस्पताल के जिम्मेदार सिविल सर्जन से समस्या के बारे में जानना चाहा, तो वह हमेशा की तरह मीडिया से दूरी बनाते दिखाई दिए। आपको बाइट जाती है ना डॉक्टर? अच्छा, आप जवाब देने का दिक्कत है, जो बात है मैंने बता ना। तो बोल दिया, पूरे जिले में कोविड के केस पहली बार इतने सारे हो गए, सबकी जांच करी हमने। तो बोलना है आपको, और क्या बोलना? दूसरे लोग भी परेशान हो रहे हैं उससे। लोग परेशान से तो है क्या है मामला? बस बस, अभी सुनने चक्कर नहीं है। आपको जो जानकारी देना था जी मैंने, और यही बता दिया कि आउटसोर्स अगले महीने चालू हो रहा है, पूरा काम हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। सर कितने टाइम से बांधे भाई? 1 महीने से 2 महीने से? मेरी जो जानकारी देना थी। कब से बांधे सर? लोग परेशान हो रहे सर, वो तो कहीं जो मैं कर सकता हूँ उतना ही करूँ। ठीक है, बहरहाल खरगोन जिला अस्पताल शासन द्वारा किए गए दावों की तुलना में सुविधा क्षेत्र में वेंटिलेटर पर दम तोड़ते नजर आ रहा है, जो बड़ी चिंता का विषय है। खरगोन से UD News के लिए सलाम अंसारी की रिपोर्ट।